So talking about sociological perspective, it is simply a way of looking at the society and social behavior. ये individual को society से connect करने में काफ़ी help करता है. It is a set of ideas and principles जो कि use किया जाता है social phenomena यानी कि सामाजिक प्रघटनाओं को और उनके construction को समझने में काफ़ी हमारी help कर देता है. लेकिन ये हमारे personal point of view से काफ़ी different होता है because it is based on extensive studies, researches जो कि किसके through की जाती हैं, various sociologists, scholars और philosopher. वो social issues पर काफ़ी researches करते हैं, studies करते हैं, उसके बाद जाकर कोई भी पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखते हैं. सी राइट मिल्स कहते हैं कि इट इज़ एन इंटरसेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल और जो भी फैक्टर्स उस इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का ये इंटरसेक्शन है. इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट सोशल रियलिटी. दूसरा, ये माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग से लेकर के मैक्रो लेवल तक की जो चीज़ें होती हैं, मतलब हमारी पर्सनल स्पेस से लेकर के वर्ल्ड लेवल तक की जो चीज़ें होती हैं उसको समझने में हमारी हेल्प करता है.